वेलकम टू नेक्स्ट पार्ट वीडियो, जिसमें हमने कहा था कि शेडिंग करना सीखेंगे, किस तरीके से शेडिंग की जाती है। तो सबसे पहले ये है कि आप डार्क पेंसिल जो भी 4B या 8B यूज़ करेंगे तो उसको पार्ट वाइज धीरे धीरे डार्क करते चलेंगे, और उस पेंसिल को जितना ज़्यादा दबा के, मतलब गड़ो के बिल्कुल नहीं करना है, ऊपर ऊपर हल्का हल्का शेड करते चलेंगे। जहाँ पे आपको डार्क करना है वहाँ पे पेंसिल को कई बार रब चलाएंगे, जिससे वहाँ पे डार्क हो जाए। वो भी बहुत ज़्यादा दबा के पेंसिल नहीं चलानी है, जिससे कोई चीज़ हमें इरेज करनी हो तो वो आसानी से इरेज हो सके। ओके, और आपको अगर जो शेड को और थोड़ा सा बढ़िया करना है तो आप कॉटन का यूज़ कर सकते हैं या ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें मैं अपनी उंगली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर कोशिश करिए कॉटन का यूज़ करें। और धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। अब ये हमने नीचे का पार्ट को, और जहाँ पे ज़्यादा डार्क करना होता है वहाँ पे हमें पेंसिल ज़्यादा देर तक उसको बार बार रिपीट करना पड़ता है, जैसे ये मैं कर रहा हूँ। ओके, और हाँ, आपको अगर जो इसका फर्स्ट पार्ट का वीडियो देखना है तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, जहाँ मैंने ये बताया है कि किस तरीके से खुरपी का आप शेप दे सकते हैं, अच्छी तरीके से बताया है। ओके, हालांकि मैं यहाँ पे डोम्स की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, आप कौन सी पेंसिल यूज़ करते हैं बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, एंड तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।